हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड वकील। आज है 28th में और आज के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इलेक्शन रिजल्ट काफी पास है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। आपने कल का अगर एनालिसिस देखा हो तो क्लियरली वहां पर बोला था कि बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ी ज्यादा बुलिश देखने को मिलेगी और डॉट ऐसा ही हुआ, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। बात करते हैं आज के दिन आपको कैसे प्ले करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स बनी हुई है, ऑल्दो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स है। आप वन डे का चार्ट अगर लगाएंगे तो पूरी डायरेक्शन आपको समझ आ जाएगी। वन डे के चार्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के ऊपर 49,000 के ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे तो हम 49,300 और 49,600 क्लियरली आएंगे और डॉट हम इतना ही आए और इसके बाद हम 50,000 भी आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन के अंदर ही हमें 600 पॉइंट का अगर मूव मिल गया है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, वहां से अपनी पोजिशन एग्जिट कर देनी चाहिए। यहाँ पर 50,000 आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब 50,000 क्यों आएंगे, रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखिए RSI लगा हुआ है और RSI के अंदर यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। सी यहाँ पर लोअर लोज का कॉम्बिनेशन था, ब्रेकआउट है, यहाँ से हो सकता है RSI थोड़ा नीचे जाए, मार्केट थोड़ी सी नीचे आए एंड देन वापस से अपसाइड निकल जाए। तो यहाँ पर थोड़ी नीचे आके देन अपसाइड निकलते हुए दिख रही है अपने को मार्केट। अभी यहाँ पर ट्यूजडे है और 4-5 दिन है अपने पास इलेक्शन रिजल्ट के लिए, तो उस दौरान मुझे लगता है 50,000 में करीब अपने को बैंक निफ्टी दिख जाएगी। अगर आप इंट्राडे की बात करें तो 5 मिनट के चार्ट पर चलिए, एक सेकेंड, 5 मिनट के चार्ट पर अगेन आपको यहां पर फिबोनैकी से ही पूरे लेवल्स दिख जाएंगे इंट्राडे के अंदर यहां पर। ठीक है, इस स्विंग पर आपको लगाना है फिबोनैकी। और बैंक निफ्टी ने लगभग क्लोजिंग दी है हमारी 0.382 के पास। एक सेकंड, ये फिबोनैकी ठीक नहीं लगा है। वेट करिए एक सेकंड, यहां से लगेगा ये हमारा 22nd मई का जो लो लगा था वहां से और यहां तक। ठीक है, यहां पर रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ लिया है इस कैंडल ने, रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ एंड देन वापस ऊपर निकलना शुरू हुए। ये छोटा सा कंसोलिडेशन है ना, 49,356, आप मान लीजिए 49,400 के ऊपर जैसे ही हम निकलेंगे तो हम वापस से अपसाइड के लिए रेडी हो जाएंगे। लगभग 49,600 हम क्लियरली देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, ये लेवल है 49,186, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे जो कि लेवल है 49,000 का और उसके बाद हम इस लेवल तक आ जाएंगे, लेवल है 48,830 का। इस हिसाब से बैंक निफ्टी प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सॉरी इसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर चलते हैं तो निफ्टी में थोड़ा सा रेंज बाउंड देखने को मिलेगा 23,000, ऑल्दो कल लगाया था मैंने, बोला भी था इस लेवल के ऊपर जाएंगे तो 23,100 के पास भी जाएंगे, 23,150 के पास भी जाएंगे। हमने हाई लगभग 23,113 का लगाया था। दोबारा से यहां पर अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो ये जो स्विंग है इस स्विंग पर आपको फिबोनैकी लगाना है और इंट्राडे के सारे लेवल्स आपको दिख जाएंगे। ये पूरा स्विंग है, यहां से आप देख सकते हैं डॉट रिट्रेसमेंट ली है, डॉट रिट्रेसमेंट दिख रही है आपको। यहां पर 0.23 के लेवल से रिट्रेसमेंट हुई है 22,869 से। अब यहां से जैसे ही वापस से इस कैंडल का हाई निकलेगा, लेवल है 22,979, मैं कहूंगा 23,000 के ऊपर वापस से जैसे ही जाते हैं तो हम वापस से इस हाई की तरफ निकल जाएंगे 23,086 की तरफ, और इसके ऊपर भी हम निकलते हैं तो हम निकलेंगे इस हाई की तरफ 23,120 की तरफ। तो वेट करिए 23,000 वापस से ब्रेक हो और फिर आपको अपसाइड प्ले करना है। डाउन साइड के लिए ये लेवल है 22,870 का, इसके नीचे जब हम जाएंगे तभी आपको डाउनसाइड प्ले करना है, उससे पहले डाउनसाइड नहीं प्ले करना है, बाय ऑन डिप्स ही बना रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज ऐसे ही आप एनालिसिस देख सकते हैं सुबह 8:20 पर। थैंक यू सो मच।